आज हम इस वीडियो में आपको चंद्रवंशी राजपूत के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि क्या चंद्रवंशी राजपूत होते हैं। चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दोनों ही राजपूत होते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय का उपखंड है, ठीक उसी तरह जय सूर्यवंशी क्षत्रिय का उपखंड है। राजा मनु के 9 पुत्रों में से एक पुत्र ने सूर्यवंशी की शुरुआत की। मनु की बेटी इला का विवाह बुद्ध से हुआ और उस दोनों के पुत्र चंद्रमा ने चंद्रवंश का प्रारंभ किया। इतिहास देखा जाए तो राजपूत क्षत्रिय का उपखंड है। क्षत्रिय के नीचे राजपूत, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी के अलावा और भी बहुत वंश और जाति है। चंद्रवंशी समाज क्या है? चंद्रवंशी समाज भारत के प्राचीनतम द्वापर मानव काल के क्षत्रिय समाजों में से एक है। चंद्रवंशी एक प्रकार के चंद्रवंशी क्षत्रिय होते हैं अगर और यह है मगध सम्राट महाराज जरासंध के वंशज है। महाराज जरासंध चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। चंद्रवंशी किसे कहते हैं? चंद्रवंशी उन 3 वंशों में से एक है जिनमें हिंदू की क्षत्रिय जाति विभाजित है। अन्य 2 सूर्यवंशी और अग्निवंशी है जो अग्नि से उत्तरी है। महाभारत के अनुसार चंद्रवंश या हिंदू चंद्रमा देवता चंद्र से खून का रिश्ता है। चंद्रवंश राजवंश को सोमवंश या चंद्रवंश के रूप में भी जाना जाता है। इतिहासकार सीवी वेद के अनुसार चंद्रवंशी वेद है जिन्होंने चंद्र की चालों के आधार पर वर्ण और काली गणना की प्रणाली को अपनाया। चंद्रवंशी चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। ये क्षत्रिय जो जरासंध के वंशज हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय की गोत्रावली बृहद्रथ परवार 3 अंग्रीन वशिष्ठ बृहस्पत शाखा मादित्य शाखा माधान्य सूत्र कात्यान ग्रह शिखा बांस धर्म सनातन हिंदू धर्म जाति क्षत्रिय ठाकुर गोत्र भारद्वाज चंद्रायन कुल चंद्रवंश कुल जरासंध का पिता बृहद्रथ कुल कर्म अध्ययन करना दान देना यज्ञ करना। चंद्रवंश के अंतर्गत आने वाले वंश चंद्रवंश यदुवंश हेवंश भाटीवंश जडेजा वंश चंदेलवंश घेरवार वंश सेंगल वंश तमर वंश बदल वंश झाला वंश सोलंकी वंश बघेल वंश बनाफर वंश बृहद्रथ वंश। चंद्रवंश राजपूत की 70 शाखाएं इस प्रकार है। सोमवंशी राजपूत कुरुवंशी राजपूत यदुवंशी राजपूत कुरुवंशी राजपूत रवानी राजपूत कौशिक राजपूत जागरण राजपूत भाटी राजपूत जडेजा राजपूत सरवैया राजपूत चूड़ासमा राजपूत सिंघल यादव राजपूत राय जाटा राजपूत तोमर या तमर राजपूत सोलंकी राजपूत बघेल राजपूत सेंगर राजपूत नेपतनी राजपूत कड़वार राजपूत घेरवार राजपूत दोगाई राजपूत राजकुमार राजपूत बुंदेला राजपूत बिलादरीय राजपूत चंदेल राजपूत झाला राजपूत बनाफर राजपूत जनवार राजपूत भरद्वाज राजपूत भृगु राजपूत गंगवंशी राजपूत काकतीय राजपूत बाघेला राजपूत महिडा राजपूत ध्रुववंशी राजपूत कौरव राजपूत लोधी राजपूत परमार या पमार राजपूत खंगार राजपूत हेवंशी राजपूत गर्गवंशी राजपूत सलारिय राजपूत रक्सेल राजपूत कान्हा राजपूत चौपट खम क्षत्रिय चनामिया राजपूत जसावट राजपूत बरहिया राजपूत धनवस्त राजपूत अतसव राजपूत वाचल राजपूत ढाकरिया राजपूत नाड़व राजपूत भोज राजपूत कूच राजपूत चितियार राजपूत भोज भोट राजपूत मोकरी राजपूत सेन राजपूत पांड्य राजपूत चोल राजपूत चेर राजपूत सलाहर राजपूत बाकाटक राजपूत पल्लव राजपूत योद्धे राजपूत प्रधोत राजपूत शिशुनाग राजपूत जोहिया राजपूत। चंद्रवंश की गोत्र लिस्ट इस प्रकार है। अत्रि वशिष्ठ सुख कड़व पाराशर विश्वामित्र कपिल सोनक याज्ञवल्क जगनी जमजगनी गौतम मृग मृतगल व्यास लोमस अगस्त कौशिक वत्स पुलत्स मकण दुर्वासा नारद कश्य प्रहलाद बकदाल चंद्रायन भरद्वाज। चंद्रवंश अत्रि के पुत्र चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र बुद्ध थे। महाराज बुद्ध का विवाह महाराजा तनु की पुत्री इला से हुआ था। इनसे महाराज पुरोरवा का जन्म हुआ। पुरोरवा ने ही अपने दादा चंद्रदेव के नाम पर चंद्रवंशी की नींव डाली, जिसकी आज अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हो गई हैं। चंद्रवंश को ही सोमवंशी भी कहते हैं। सोमवंशी क्षत्रिय हैं। गोत्र अत्रि प्रवर अत्रि आत्रे साता आतव वेद यजुर्वेद देवी तहलक्ष्मी नदी त्रिवेणी। भाटी या जरदम क्षत्रिय। भाटी ये लोग अपने आप कृष्ण का वंशज मानते हैं। इस शाखा में कभी भाटी नाम के प्रतापी राजा हुए थे। इन्हीं के नाम पर भाटी वंश चला। जैसलमेर का दुर्ग इसी भाटी वंश के राजाओं ने बनवाया। जडेजा क्षत्रिय।
जडेजा क्षत्रिय शाखा के लोग अपने आप को कृष्ण के पुत्र साम का वंशज मानते हैं। तोमर क्षत्रिय गोत्र गार्ग प्रवर गार्ग कौशतु मांडवी वेद यजुर्वेद देवी योगेश्वरी चिकलाई माता इन्हें तूर या तमर भी कहते हैं। तोमर वंश के लोग अपने आप को पांडु का वंशज मानते हैं। जन्मेजय ने नागवंश को समूल नष्ट करने का व्रत लिया था। उनके इस शासन से नागवंश के महर्षि अस्तिक बहुत अप्रसन्न हुए। जन्मेजय ने महर्षि अस्तिक से क्षमा याचना की और प्रायश्चित के लिए यज्ञ संपन्न हुआ जिसके अध्यक्षता महर्षि तूर थे। इन्हें महर्षि तूर के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए जन्मेजय ने वंशज अपने को तूर क्षत्रिय कहने लगे। डॉक्टर देव सिंह निर्वाण ने एक आलेख में तोमर क्षत्रियों की 25 शाखाओं का उल्लेख किया। हे क्षत्रिय गोत्र कृष्णात्रे कश्यप सांडिल नारायण प्रवर कृष्णात्रे आत्रे व्यास वेद यजुर्वेद देवी दुर्गा। हे क्षत्रिय अपने आप को प्रतापी राजा कीर्ति वीर का वंशज मानते हैं। कुछ लोग उन्हें राजा हे का भी वंशज मानते हैं। करचुलीय क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर कश्यप बत्सार नेत्रुप वेद सामवेद देवी विंध्यवासिनी संभवता यह हे वंश की उपशाखा है। कौशिक क्षत्रिय गोत्र कौशिक प्रवर कौशिक जमदग्नि अत्री देवी योगेश्वरी वेद यजुर्वेद सेंगर क्षत्रिय गोत्र गौतम प्रवर गौतम वशिष्ठ बृहस्पति वेद यजुर्वेद देवी विंध्यवासिनी चंदेल क्षत्रिय गोत्र चंद्रायण प्रवर चंद्रात्रे आत्रे संतातप वेद यजुर्वेद देवी मनिया देवी। राजा चंद्र वर्मा की संतानों ने अपने को चंदेल क्षत्रिय उद्घोषित किया। इस वंश का प्रधान स्थान ग्वालियर के पास का चंदेरी था जो आज भी अपनी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं का ही बनाया हुआ है। गहरवार क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर तीन कश्यप बत्सार नेत्रुप वेद सामवेद देवी अन्नपूर्णा बेरुवार क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर कश्यप बत्सार नेत्रुप वेद सामवेद देवी चंडिका सिरमौर क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर तीन कश्यप बत्सा नेत्रुप वेद सामवेद जनवार क्षत्रिय गोत्र कौशिक प्रवर कौशिक जमदग्नि अत्रि देवी चंडिका वेद यजुर्वेद भाला क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर कश्यप बत्सा नेत्रुप वेद सामवेद देवी महाकाली पलिवार क्षत्रिय गोत्र विहात प्रवर विहात और संस्कृति वेद सामवेद फैजाबाद जिले में इनके नाम से एक पालीवार क्षेत्र ही है। गंगावंशी क्षत्रिय गोत्र अत्रि प्रवर अत्रि आत्रे सातातप वेद यजुर्वेद देवी योगेश्वरी पूर्ववंशी क्षत्रिय गोत्र बृहस्पति प्रवर बृहस्पति अंगीसर भरद्वाज वेद यजुर्वेद देवी दुर्गा खाती क्षत्रिय गोत्र अत्रि प्रवर तीन अत्रि आत्रे सतातप वेद यजुर्वेद देवी दुर्गा बुंदेला क्षत्रिय। यह गैरवार वंश की एक उपशाखा है और गोत्रादि उसी के अनुसार है। कानावंशी क्षत्रिय गोत्र भरद्वाज प्रवर भरद्वाज बृहस्पति अंगिरस वेद सामवेद रत्सेल क्षत्रिय गोत्र कौडिन प्रवर कौडिन पुत्र सितमिक यजुर्वेद पितोला क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर कश्यप बत्सार नेत्रुप वेद सामवेद देवी दुर्गा बनापर क्षत्रिय गोत्र कश्यप भरद्वाज प्रवर कौडिन पुत्र सितमिक वेद यजुर्वेद देवी शारदा। बनापर वंश को अहिर बताने वाले इस वीडियो को जरूर देखें। भारद्वाज क्षत्रिय गोत्र कौडिन प्रवर भारद्वाज बृहस्पति अंगिरस वेद सामवेद देवी श्रद्धा। शरणीय क्षत्रिय गोत्र भारद्वाज प्रवर भारद्वाज बृहस्पति अंगिरस वेद सामवेद देवी दुर्गा। हरद्वार क्षत्रिय गोत्र भार्गव प्रहर भार्गव नीलोहित रोहित चौपट खम क्षत्रिय गोत्र कश्यप प्रवर कश्यप बत्सा ने ध्रुव वेद सामवेद कर्मवार क्षत्रिय गोत्र भरद्वाज प्रवर भरद्वाज बृहस्पति अंगिरस वेद यजुर्वेद भृगुवंशी क्षत्रिय गोत्र भार्गव प्रवर भार्गव नीलोहित रोहित वेद यजुर्वेद। अगर आपको राजपूत से संबंधित किसी भी गोत्र जाति के विषय में जानकारी चाहिए तो कमेंट अवश्य करें, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।